नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। भूतों की कहानियां तो आपने ढेरों सुनी होगी, लेकिन ये कहानी क्रिकेटर्स के साथ जुड़ी हुई है। जाने माने क्रिकेटर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2005 में हुई एशेज सीरीज को कौन भूल सकता है। हम मैच की बात नहीं कर रहे, बल्कि मैच के बाद होटल में हुए वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में खुद शेन वॉटसन ने बताया। जून 2005 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था। टीम इंग्लैंड के लुमली कैसल नामक एक प्राचीन डरहम होटल में रुकी थी। रात को जब शेन वॉटसन अपने रूम में सोए थे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके कमरे में कोई और भी है। वॉटसन ने कहा कि मैंने अपने कमरे में भूत देखा। उसके बाद वॉटसन घबराते हुए बाहर चले गए और अपने साथी खिलाड़ी ब्रेटली के कमरे में जाकर सो गए। शेन वॉटसन काफ़ी डर गए थे। वॉटसन ने यह बात टीम मैनेजमेंट से कही। वॉटसन ने टीम मैनेजमेंट से कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने भूत को देखा। वहाँ के लोगों ने यह दावा किया कि 14वीं शताब्दी के बाद से ये होटल भूतिया होटल माना जाता है। लोगों ने कहा कि इस महल की मालकिन लिली लुमले की हत्या महल के ही दो पुजारियों ने कर दी थी। उसके बाद से यहाँ उसकी आत्मा भटकती है। इस घटना से पहले साल 2002 में सौरभ गांगुली को भी इसी होटल में एक डरावनी रात का सामना करना पड़ा था। सौरभ गांगुली ने कहा कि टीम प्रैक्टिस खत्म करके होटल लौट आई। मैंने टीम के साथ डिनर किया और अपने कमरे में लौट आया। सारी लाइट्स बंद कर दी, पर्दे बंद कर दिए और अपने बिस्तर पर सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बाथरूम के नल से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मेरी नींद खुल गई। मैं उठा, लाइट ऑन करी और नल बंद करने बाथरूम में चला गया। मैंने वहां देखा कि नल पहले से ही बंद था। मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा था या फिर दूसरे रूम से नल की आवाज़ आ रही हो। मैं फिर से सोने चला गया। आधे घंटे तक सोने के बाद मुझे फिर से नल के शोर ने जगा दिया और मुझे फिर से लगा कि पानी की आवाज़ मेरे ही बाथरूम से आ रही है। मैं एक बार फिर बाथरूम की ओर गया और देखकर चौंक गया। मैंने देखा सभी नल बंद थे। मैं फिर से सोने आ गया। मैंने इस बार फैसला किया कि मैं लाइट ऑन करके सोऊंगा, लेकिन ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करने के कुछ देर बाद नल फिर से चलने लगे। इसके बाद गांगुली बाग के रोबिन सिंह के कमरे में चले गए और रात वहीं बिताई। इसके बाद सौरभ कभी भी इस होटल में नहीं रुके। इंग्लैंड का एक और होटल है जो भूतिया होटल ही माना जाता है। लंदन का लहंगम होटल भी भूतिया होटल से कम नहीं है। इस होटल में भी बहुत से खतरनाक वाक्य हुए हैं। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी अपने रूम में कुछ अजीब देखा। ब्रॉड के रूम में भी सौरभ गांगुली के रूम की तरह ही हुआ। उन्होंने दावा किया कि उनके बाथरूम के नल खुद ही चालू हो गए। उनकी प्रेमिका ये देखकर काफ़ी घबरा गई थी और वह दोनों उस रूम में दोबारा नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने होटल वालों से नए रूम की डिमांड की। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान इसी होटल में महेंद्र सिंह धोनी को अपने रूम में एक रहस्यमय छाया दिखा। धोनी ये देखकर डर गए थे। तो ये थी कुछ क्रिकेटर्स के साथ जुड़ी भूतों की कहानियाँ। ऐसी कहानियों और स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी कर दें प्रेस, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देखो सबसे पहले। धन्यवाद।